हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल गोरखपुरी स्टाइल में स्वागत है। मैं हूँ सोनी। तो आज बनाई थी मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मिठाई, और त्यौहार शुरू हो गए हैं तो इसका मैंने जब दूध फाड़ा था तो उसका भी वीडियो बनाया था, लेकिन गलती से लग रहा है डिलीट हो गया था। तो घर की दूध का पनीर बना लें या फिर दूध को फाड़ लें किसी भी चीज़ से, विनेगर से या नींबू से फाड़ के उसका पूरा पानी निचोड़ दें। उसको दाबने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको अच्छे से कपड़े में बांध के एक घंटे के लिए छोड़ देंगे तो सारा पानी निकल जाएगा, यानी बिल्कुल भी छेने में पानी नहीं रहना चाहिए। या फिर आपके पास रेडीमेड पनीर है उसका तो नहीं, लेकिन जो चिक्के वाली पनीर आती है उससे बना सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों वाले पनीर से ये मिठाई नहीं बनेगी। या फिर घर की ताज़ी पनीर ही बनाएं दूध मंगा के तो सही रहता है, यानी छेना फाड़ के बनाएं। तो सबसे पहले मैंने जो है फाड़ लिया था, उसको पानी अच्छे से निकाल लिया था, उसमें 2 चम्मच डाल दिया था मैंने मैदा। दो 1 किलो दूध फाड़ा था तो उसमें जितना निकलता है छेना उसके हिसाब से मैंने 2 चम्मच डाला था। 2 चम्मच से अधिक नहीं डाले, बस कुछ भी नहीं पड़ता है इसमें, सिर्फ 2 चम्मच मैदा डाला था और उसको 5 मिनट तक अच्छे से हथेली से गूंथ लिया था, जब तक कि एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, एकदम लगता है कि घी की तरह हो गया है। यानी जितना ज़्यादा आप उसको मलेंगे, यानी छेना जो है बनाते समय उंगली पर बना के देख लें, गोल गोल या लंबे जिस तरह भी चाहें, बना के देख लें कि एकदम फटना नहीं चाहिए, नहीं तो तेल में ही डालते ही फट जाएंगे। इसलिए एकदम से जितना जैसा अधिक 5 से 7 मिनट तक उसको मल लें, 5 से 7 मिनट बहुत है। उसको मल के मैंने किनारे कर दिया था, इधर चाशनी रख दिया था। मैंने 1 कटोरी चीनी डाला था और 2.5 कटोरी पानी डाला था। तो हमें इसे एक तार की चाशनी बनानी थी, चिपचिपी वाली, यानी जिस तरह गुलाब जामुन की बनानी है, बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है। चाशनी हमारी उधर तैयार हो रही थी, तब तक मैंने जो है इसको जो है गोल गोल बना के और हथेली पे रख के जो है टुकड़ों में गोल गोल चपटा कर लिया था। तो मैं इसे यानी पूरी की तरह छोटी छोटी एकदम बना रही थी, तो मैं बना रही थी छेने का पुआ, जो हम लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा, और ये पुआ मैंने सीखा था अपनी मामी सास से, जो मधुपुर की रहने वाली हैं, यानी बंगाल साइड की। तो बंगाल में मिठाइयाँ काफ़ी बनती हैं, ये मिठाई होली में हमेशा या कोई भी त्यौहार बनता था तो बना के लाती थी। तो मैंने उन्हीं से पूछा था तो बताई थी इसे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, साथ में मेरे बच्चों को भी पसंद है, हमेशा कहते हैं। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे जो है टिक्की की तरह बना लिए थे। आप चाहे तो इसको गोल गोल भी बना सकते हैं, लंबे भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं पुआ बना रही थी इसलिए छोटे छोटे, इसका आकार आप बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसको जो है ना ज़्यादा मोटा रखेंगे ना पतला रखेंगे, एकदम जो है पूरी की तरह जो है रखेंगे, लेकिन छोटा साइज छोटा रखेंगे अपने हिसाब। तो 5-6 मैंने डाल दिया था। तेल अच्छे से गर्म कर लें, गैस को उसके बाद लो कर दें, नहीं तो ऊपर से अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से जल जाएगा, क्योंकि तेल हाई गर्म होना चाहिए, और लेकिन जो है एकदम लो फ्लेम पर ही इसको तलेंगे। फिर से जब मैंने तला था तो तेल चूंकि ज़्यादा गर्म था तो इसलिए मुझे दोबारा से खूब हाई गर्म नहीं करना पड़ा। तो बस इसको जो है एक बार जब एक तरफ से हो जाए, जब हो जाए तब दूसरी तरफ पलट दें। इस तरह करके मैंने 2 बैच में सारे पुआ को तल लिए थे। तो ये देखिए चाशनी बनाई थी, तो चाशनी में मैंने थोड़ा सा कलर डाला था और इलायची डाली थी, और एक तार की चाशनी बना के अलग रख दी थी। लेकिन जब चाशनी में डालें तो चाशनी गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं। अगर गर्म ठंडी हो गई है तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लें तभी डालें। और ये देखिए कितने सारे बन गए थे मात्र 1 किलो दूध में, और इतने एक घंटे बाद ही मैंने इसको टेस्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो ज़रूर ट्राई करें। चलिए मिलते हैं।